अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ टिंडे की फ्राई भुजिया, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्राई भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टिंडे की कटिंग कर ली थी, और यहाँ 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ अनियन कटिंग कर ली है, यहाँ 2 साबित लाल मिर्च, ये अचार मसाला, ज़ीरा काले मिर्च, नमक, ये मैं टिंडे की भुजिया में डालूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने कढ़ाई को ऑन फ्लेम में रख दिया था और इसमें ऑयल डाल के उसे गरम करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें अचार मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। अचार मसाला ऐड करने के बाद 2 मिनट इसे ऐसे छोड़ के फिर मैं इसमें 2 साबित लाल मिर्च ऐड करूँगी। इससे पहले जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। यहाँ पे देखें, मैंने 2 साबित लाल मिर्च ऑयल में डाल दिया है। अब साथ ही मैं अनियन भी ऐड करूँगी। अनियन के साथ ही मैं टिंडे की जो कटिंग की थी भुजिया के लिए वो टिंडे सारे डाल दूँगी। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए मेंशन तो करें में ज़रूर, ताकि मैं वो रेसिपी आप तक शेयर कर सकूं। इसी तरह मैं सारे टिंडे को कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह मिक्स करूँगी। पहले अनियन फ्राई नहीं करना है, अनियन को टिंडे के साथ ही साथ डाल देना है, और उसके साथ ही जो बाकी स्पाइसेस थे, नमक, हल्दी और ज़ीरा काली मिर्च, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब बस इसे फ्राई करते रहना है। ये तकरीबन 15 मिनट में हमारी भुजिया रेडी हो जाती है टिंडे की। अब ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और आप कैसे बनाते हैं आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसे अच्छी तरह चम्मच की मदद से चलाते रहना है। जी तो यहाँ देखें, हमारी जो भुजिया है वो रेड होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है हमारे जो भुजिया है वो रेडी रेडी होने पर है। इसे प्रॉपर चलाते रहना है, अगर नहीं चलाएंगे तो हमारी भुजिया जो है वो जल जाएगी, नीचे से ब्लैक ब्लैक हो जाएगी बिल्कुल। तो इसे अच्छे से चम्मच की मदद से ऊपर नीचे करते ही रहना है। फाइनली 15 मिनट बाद हमारी ये फ्राई भुजिया रेडी है टिंडे की। ये रेसिपी झटपट से बन जाती है 15 मिनट के अंदर अंदर। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फीडबैक ज़रूर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।